जनपद फिरोजाबाद के नगर निगम क्षेत्र वार्ड नंबर 28 मापो चौराहे से सब्जी मंडी तक की सड़क 50 लाख के आसपास का ग्रेडिंग सरफेसी फर्म के अंतर्गत रोड निर्माण कार्य किया गया था। रोड को लगभग 2 महीने नहीं हुए और जगह जगह कभी गहरे गड्ढे हो गए। एक गड्ढा तो इतना गहरा हो गया है कि अगर किसी का पैर फिसल जाए तो व्यक्ति घायल हो जाएगा। जब इस बारे में लोगों से बात की गई तो बताया कि ठेकेदार नितिन त्यागी का कहना यह है कि अभी निगम से रुपए नहीं मिले हैं, जब रुपए मिलेंगे तब आगे का रोड बनेगा। अब एक बात सोचने वाली है कि जब पेमेंट नहीं मिला तो सड़क कैसे बनाई गई, और उद्घाटन भी हो गया लेकिन इंटरलॉकिंग के लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया। आखिर नगर निगम के ठेकेदार ने ऐसा क्यों किया? फिरोजाबाद से गौरव राठौर की रिपोर्ट, SKH न्यूज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बच्चन सिंह वर्मा है। यहाँ पर जो ये रोड है सामने आपके, कौन सा रोड है ये? जी मालपुर नाले की पुलिया का सब्जी मंडी चौराहा है जी। कितने दिन हो गए इस रोड को बने हुए? ज़्यादा से ज़्यादा 3-4-5 महीने हुए हैं, और 4-5 महीने के अंदर में यार कई बार मतलब टूटा टाटी हो चुकी है, टीप टाप कर जाते हैं, भाग जाते हैं। ये जगह जगह देखा था, अभी ये रोड प्रस्ताव 50 लाख का पास हुआ था, क्या लगता है आपको ये रोड मानक के अनुरूप बना है? जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, क्या लगता है इस तरीके से एक कार हुआ है, क्या लगता है आपको? मानक के रूप बना होता ये तो इतनी जल्दी ये खराब नहीं होता, इतना पैसा लगाते हैं जो लगा हुआ नहीं है, इसमें लग जाता पैसा इतना उसके हिसाब से, तो ये गड्ढा जगह जगह नाली धसती नहीं। क्या लगता है रोड बनाने के ऊपर खाना पूर्ति की गई है कि कुछ इसमें बंदर बांट सा हो गया है? बंदर बांट तो होता ही रहता है, ये तो निश्चित है, तो कितनी भी कुछ हो तब भी बंदर बांट होते रहते हैं, ये तो अगर ज़्यादा नहीं होंगे तो कम तो होंगे ही बंदर बांट, बंदर बांट बिना तो काम चलता ही नहीं है। यहाँ पर अभी जो बोर्ड लगा हुआ था नगर निगम द्वारा कि जो रोड बना है उसके अगल बगल में इंटरलॉकिंग वगैरह होगी, RCC बिछेगी, क्या वो अभी पड़ चुकी है, इंटरलॉकिंग हुई है? इंटरलॉक तो बिल्कुल नहीं हुई है, केवल स्वागत चौराहे से थोड़े मतलब ज़्यादा 20 मीटर आगे हुई है, वहाँ से कोई इंटरलॉक नहीं हुई है, वहाँ से सब इंटरलॉक बंद पड़ी हुई है, कोई मतलब इधर उधर नहीं है, सब नाली टूटी पड़ी है, नाली होती है भाई। अंकल जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार। अंकल जी सामने जो रोड बना है कौन सा रोड है ये? ये पुलिया तरफ जाता है, हिमायपुर रोड बोलते हैं। हिमायपुर ऐसे देखा गया है, ये अभी जगह जगह अभी एक महीना नहीं हुआ रोड बने और जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, और रोड के साइड में इंटरलॉकिंग का कार्य भी लिखा हुआ है बोर्ड में, लेकिन ये नहीं हुआ, क्या क्या लगता है किस तरीके से रोड बनाया गया और किन की लापरवाही सामने आ रही है? ऐसा है, रोड तो जो बना है लेकिन रोड में गड्ढे तो अभी से हो गए, अभी तो 2-4 महीने हुए होंगे रोड बने हुए, और इंटरलॉकिंग तो वो कर ही नहीं रहा है, उससे कहा भी हमने, खुद कहा पर्सनल, तो वो जो कह रहा है, कहने का मतलब हमारा सड़क का ही पेमेंट अभी तक नहीं मिला है तो मैं क्यों इंटरलॉकिंग करूँ। कब से पड़ा है ये ऐसे ही? जब से शुरू से बनाई है तभी से पड़ा है ये। ठेकेदार बोलता पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, सड़क का पैसा नहीं मिला तो फिर मैं इंटरलॉकिंग क्यों करूँ? क्या लगता है ये कार्य जो रोड बनाया गया मानक के अनुरूप हुआ ये? नहीं, मानक के अनुरूप हुआ होता तो जी आज गड्ढे